मेरे प्यारे बंधुजन सब्सक्राइबर व्यूअर्स, तो ये जो आज ट्यूटोरियल हमारा है सिलिकॉन ऑयल से रिलेटेड, देख सकते हैं तेल के जैसा ही रहता है सिलिकॉन ऑयल। तो पहले बताऊँ इसके बारे में, कुछ पैसे के बारे में बताता हूँ दोस्तों। ये मैं काफ़ी समय से यूज़ कर रहा हूँ, ये आपको 50 रुपया, कहीं 40 रुपया, कहीं 60 रुपया के अंदर में ही मिल जाएगा। पूरे इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है, कोई ज़्यादा है मतलब आप 60-70 रुपया, 50 रुपया। तो इसे मैंने कितना में खरीदा, तो मैंने इसे 50 रुपये में ऑफलाइन खरीदा था, और ऑनलाइन थोड़ा डिफरेंस हो सकता है। तो इसका यूज कहाँ है, तो जब आप टेफ्लॉन लगाते हो, जैसे आप प्रिंटर का रिपेयरिंग का काम करते हैं या टेफ्लॉन बदलते हैं, यहाँ देख सकते हैं टेफ्लॉन बदलते समय इसमें ग्रीसिंग करनी होती है ना, कहाँ पर, ये जहाँ लगता है वहाँ पर, मतलब फ्यूजर यूनिट में आपका, वहाँ पर हल्का ग्रीसिंग करनी होती है। तो ग्रीस वगैरह यूज करते हो, थर्मल पेस्ट करते हो, सही नहीं है। आप सिलिकॉन ऑयल की यूज कीजिए, क्योंकि लंबे समय से मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। और भी चीज़ें यूज होती हैं, जिसका वीडियो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। हाँ, बताना चाहता हूँ क्या हमारे प्रिंटर्स के लिए सही है, तो मैं काफ़ी समय से यूज़ कर रहा हूँ, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है, अच्छी चल रही है, सभी कस्टमर्स का मैं यही यूज़ करता हूँ सिलिकॉन ऑयल। आप को कब बदलना है टेफ्लॉन, कैसे बदलना है, सिलिकॉन ऑयल अच्छा है या सिलिकॉन ऑयल की जगह क्या क्या यूज करें, बहुत सारे हमारे व्यूअर्स जो हैं वो वीडियो पर देखें, अच्छा रिस्पॉन्स दिए कि सिलिकॉन ऑयल वर्सेस आपका ग्रीस है, चाहे आप बोरोलिन है, बहुत सारा वीडियो में है ना बताया, उसमें एक्सप्लेन किया हूँ, सब जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए। एक वीडियो में अच्छा ट्यूटोरियल मिलेगा, अच्छा व्यू गया मेरा। तो मिलते हैं नए वीडियो में, आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिएगा, आप लोकल मार्केट से इसे बाय कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग किंगटेक का फ्यूजर फिल्म टेफ्लॉन जो कोरिया की बनी हुई है, इसके बारे में जानेंगे क्या हमारे लिए सही है या नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा इस प्रकार की वीडियोज़ बनाते रहता हूँ। क्या बात है।